पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ द्वारा जिले में अवैध हथियार निर्माताओं, तस्करों एवं क्रय विक्रय करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु संपूर्ण मुरैना जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जाकर जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया। उक्त अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर के निर्देशन एवं SDOP अम्बाहा रवि सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना अम्बाहा एवं महुआ पुलिस के द्वारा 3 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 2/9/2024 को पवन सिंह भदौरिया थाना प्रभारी महुआ एवं थाना अम्बाहा पुलिस के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम खेरली तिराहे के पास बनी प्रतीक्षालय से अवैध हथियार की तस्करी करने वाले आरोपीगण को गिरफ्तार किया एवं आरोपीगण के पास मिले थैलों की तलाशी ली गई तो उनमें 3 पिस्टल, 32 बोर, 13 कट्टे, 315 बोर व 10 जिंदा राउंड 315 बोर के रखे मिले। उक्त हथियारों के संबंध में आरोपीगण से अवैध लाइसेंस एवं दस्तावेज चाहे गए तो लाइसेंस अथवा दस्तावेज न होना बताया कि आरोपीगण का उक्त कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से मौके पर उक्त अवैध हथियार को जब्त किया गया। SDOP अम्बा और एडिशनल SP के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई हुई है मुरैना जिले में, जिसमें अवैध आर्म्स का एक बड़ा जखीरा हम लोगों ने पकड़ा है, जो आप देख सकते हैं। 13 इसमें 315 बोर के अवैध पट्टे हैं, 3 पिस्टल हैं और 315 बोर के राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो इसमें कई वो आइटम्स हैं, वो जखीरा है जो कि अवैध आर्म्स की एक फैक्ट्री पकड़ाई थी कुछ समय पहले, उस फैक्ट्री से सप्लाई किया हुआ माल है। और इसमें एक आरोपी जो बादाम सिंह कठवार है, वो उस फैक्ट्री वाले केस में भी वांटेड रहा। जानकारी मिलने के बाद से लगातार हमारी टीम्स पिछले 2-3 दिनों से इस केस को फॉलो कर रही थी और रवि भदौड़िया ने इस केस को पर्सनली मॉनिटर किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक दो और बरामदगी हमें होगी, क्योंकि कुछ और लीड्स मिली जिस पे हम लोग काम करते हैं। वर्तमान में हमारे पास अभी 3 अक्यूज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोगों ने आपको बताया है, अभी 2 आरोपियों के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और बादाम सिंह का आप देख सकते हैं कि आर्म्स एक्ट का अच्छा खासा बड़ा रिकॉर्ड है। तो एक तो कि जो अवैध आर्म्स का कारोबार अपने ज़िले में है अगर चल रहा है तो उसमें एक प्रभावी कार्रवाई है, और साथ में इन अवैध आर्म्स के माध्यम से जो भी अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं जिले में उस पर हम लोग थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी कार्रवाई में पूरी पुलिस टीम को बधाई दे रहे हैं। कितने हथियार हैं, कितने आरोपी पकड़े गए? जैसा मैंने अभी आपको बताया और प्रेस नोट में भी है कि कुल 13 कट्टे अपने को मिले हैं जो कि 32 बोर के हैं, 315 बोर के हैं, और 3 पिस्टल मिली है, साथ में कारतूस 315 बोर के हमें लगभग 13-14 मिले। पता चला सर काफ़ी काम नहीं आ रहा है। डिटेल्स अभी चलेंगी पता, हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं, 1-2 दिन के भीतर की ये कार्रवाई है और PR पर लेकर विस्तार से पूछताछ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें और भी खुलासे होने की चांस। वारंटी तो ये जो एक बादाम सिंह है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर पर्याप्त अपराध हैं, जो आर्म्स एक्ट वाला केस था उसमें भी वांटेड रहा होगा, नो डाउट वारंटी। अभी तक अगर नहीं हुई है तो अभी करेंगे, और आपराधिक रिकॉर्ड देखने से स्पष्ट है कि आदतन अपराधी है इस तरह केसेस के, तो एक इफेक्टिव कार्रवाई करने की कोशिश हमारे तरफ से रहेगी।